दोस्तों, मेरा नाम जेसी चौधरी है और मैं आकाश इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमेशा ही हमारे घरों में वाइफ को, बच्चों को एक परेशानी रहती थी कि पापा टाइम नहीं देते हो, मम्मी टाइम नहीं देते हो। तो ये शिकायतें जो लगातार होती रहती थी, सोचिए अब आप 24 घंटे घर में हैं, तो समय ही समय, तो वो समय उनको प्यार में दिया जा सकता है, उनकी शिकायतें दूर की जा सकती हैं। इतना नजदीक एक दूसरे के साथ रहना 12 घंटे 24 घंटे शायद शादी के बाद कभी मौका नहीं मिला, और अब 9 महीने से एक दूसरे के इतने पास हैं कि शायद एक दूसरे को इतना अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वो आपके बहुत काम आएगा जीवन के अंदर। तो जहाँ नुकसान भी हुए हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की मिली है, एक घरेलू लाइफ बेहतर जीने के मौके मिले हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के पूरे मौके मिले हैं। इससे प्यार भी बढ़ा है घरों के अंदर डेफिनेटली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हो रहा है जीवन में, वो शायद वो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। अगर हम हर वक्त रोते ही रहें इस चीज़ के लिए कि हमारे साथ क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, तो वो ठीक नहीं। जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ है, उनको काफ़ी समय मिल गया किताबें पढ़ने के लिए, किताबें लिखने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए वो समय भी मिल गया है। तो हर एंगल से मैं देख रहा हूँ कि लोगों को जहाँ जहाँ नुकसान हुए हैं वहाँ पैर लगे उसके फ़ायदे मिले। जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं महसूस करता हूँ कि हमारा देश और देशों पर निर्भर था इम्पोर्ट के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में बनती नहीं थी और हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो चीज़ें हम बाहर के मुल्कों से मंगाते थे, करोड़ों डॉलर्स खर्च करते थे, इतना पैसा वेस्ट करते थे, उसकी दिक्कतें इस टाइम आई हैं। और उन दिक्कतों को समझते हुए ये महसूस किया गया है कि हमारा बाहर के मुल्क पर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है। अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, अपने देश में हर चीज़ का प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी पर हम डिपेंड ना करें, हम ऑटोनोमस बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, ना केवल सेल्फ डिपेंडेंट बल्कि अपने पड़ोसी देश जो हैं उनका भी भला करें, उनको भी हेल्प करें। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है जहाँ रियलाइज़ हुआ है कि कब तक हम दूसरों पर डिपेंड करेंगे। हमारा इतना वास्ट कंट्री है जहाँ पर नेचुरल मिनरल्स की कमी नहीं, लैंड की कमी नहीं, रिसोर्सेज की कमी नहीं, मैन पावर की कमी नहीं। तो ये जो एक नए तरीके से वेव आई है, लहर आई है कि अपना भारत आत्मनिर्भर हो, ये सारा कोरोना की देन है। शायद हम आत्मनिर्भर की कोशिश करते तो रहते थे, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ, इतना जल्दी रियलाइज़ करके, इतना फास्ट काम करने का जो मौका मिला है वो कोरोना की वजह से मिला है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को जब हम कर्ज करते हैं कि ये ख़राब हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कई चीज़ें और भी बड़ी अच्छी हो जाती हैं। जो मैं महसूस करता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें दिखाई दी है कि पहले हस्बैंड वाइफ, बाप बेटे, बाप बेटी, माँ बेटी, सब लोग इतने क्लोज नेट में रहते थे, इतने क्लोज नेट में रहते थे कि हर रोज़ कहा जाता था कि मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये अक्सर वर्ड हैं जो कि हर फैमिली में हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोरोना ने इस चीज़ का मिथ भी
काफ़ी हद तक दूर किया है। शुरू शुरू में जब कोरोना हुआ था तो इतने लोग घबराए हुए थे कि हॉस्पिटल में अगर कोई कोरोना का पेशेंट बढ़ जाता था तो उसको पूरा रैप करके सीधा ही शमशान घाट भेज देते थे। उसकी शक्ल तक कोई नहीं देख पाता था, घर के बंदे न माँ न बाप न कोई देख पाता था। तो ये सिचुएशन हो रही थी सारी जगह से। घर के अंदर अगर एक किसी को कोरोना हो जाता है तो सारे उसको अलग कर देते हैं, वो उसके पास भी नहीं आता। 15-15 दिन वो एक कमरे में आइसोलेशन है, वो उसके नज़दीक भी नहीं आता कि मुझे ना हो जाए। तो ये जो अपने आप को सेफ करने की इच्छा रही है पेशेंट के साथ ना रहने के लिए, और हर वक्त जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, भाई अपने कमरे में रहना, मेरे कमरे में बताना कि मुझे ना हो जाए, तो कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया वो चीज़ें कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम तो पास भी आकर राजी नहीं हो, दूर दूर से बात करते जा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोरोना ने महसूस करवाया है कि लाइफ जो अब देख रहे हैं वो रियल है, वो प्रोजेक्टेड लाइफ नहीं है। इंसान अकेला पैदा हुआ था, अकेला ही इस दुनिया से जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी को कुछ खुशनुमार गलतफहमी में गुजार देते हैं कि आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आप मेरी जान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वास्तव में इस बीमारी ने इसका भी समाधान कर दिया कि कोई किसी की जान नहीं है, हर एक की जान अपनी अपनी है और हर एक को अपनी अपनी सुरक्षा करनी। तो ये बहुत हद तक लोगों को प्रैक्टिकल फॉर्म में, प्रैक्टिकल रूप में भी देखने को मिला है और लगा है कि जीवन में वास्तव में असलियत क्या होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी हमारी ज़िंदगी के अंदर इंसिडेंट्स होते हैं, लोग आते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें सिखा जाते हैं, कुछ ना कुछ एडवर्सिटी भी हमें सिखाती है, ऐसी बात नहीं है। हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना सिखाया, हमें लोगों की केयर करना सिखाया, लोगों का हालचाल ज़्यादा अच्छी तरह पूछना सिखाया, लोगों को बार बार पूछ के कंसर्न दिखाते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। इससे पता लगता है कि सहानुभूति हमारे साथ लोगों की है, और ऐसे मौके पर हर व्यक्ति दूसरे की सहायता करने के लिए आगे खड़ा हुआ है, जितनी पॉसिबल है वो हेल्प करने में लगा हुआ है। तो ज़िंदगी है, गुजरेगी अपने तरीके से। जैसे पहले गाना होता था, ज़िंदगी हंस के नहीं तो रो के गुजर जाएगी, गुजरेगी तो सही लेकिन अगर हंस के दोस्तों के साथ गुजर जाए, प्यार के साथ गुजर जाए, मोहब्बत में गुजर जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों मैंने बताया कि एडवर्सिटी के क्या फ़ायदे हैं, एडवर्सिटी के नुकसान नहीं है, उसमें फ़ायदे भी होते हैं। मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, ये हमारी सोच है कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं और कैसे उससे फ़ायदे उठाते हैं। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। Thank you. Thank you very much.